नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ई भारत में आपका स्वागत है। ये बजते हुए ढोल नगाड़े और उस पर खुशी से नाचते गाते लोगों का परिदृश्य है। साइन कोलीवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश यादव के कार्यालय का, जहां ये लोग इसलिए खुशी से झूम रहे हैं कि कांग्रेस ने गणेश यादव को दूसरी बार साइन कोलीवाड़ा विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है। उनके नाम की घोषणा होते ही कांग्रेस कार्यालय पर जश्न का माहौल नजर आ रहा था। हर जात धर्म मजहब के लोग उनको बधाइयां दे रहे थे। कोई शाल उड़ा रहा था, कोई फूलों का गुलदस्ता भेंट कर रहा था, कोई हार पहनाकर उनको सम्मानित कर रहा था। इस दौरान समर्थक मिठाई बांट रहे थे। काफी देर तक जश्न का माहौल बना रहा। महागठबंधन के नेता भी अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्थकों के साथ गणेश यादव के कार्यालय पहुंचकर उनको शुभकामनाएं दी, बधाई दी, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने जाकर गणेश यादव को शुभकामनाएं दी। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही थी। महिला पुरुष सभी गणेश यादव को बधाई दे रहे थे। तरह से आभार व्यक्त करेंगे कि अपनी पार्टी के नेताओं का? देखिए, पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये दूसरी बार मुझे मौका दिया है साइन कोलीवाड़ा विधानसभा के जनता के बीच जाकर पार्टी का नेतृत्व कर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में मुझे घोषित किया गया है। ये टाइम मुझे ऐसा जोश देखकर लगता है, जिस हिसाब से लोग मुझे सिर्फ टिकट डिक्लेयर होने पर विश करने को आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को लग रहा है मैं कोई जीत के माहौल में आ गया क्या करके। साइन कोलीवाड़ा की जनता की आवाज बनकर उनके लिए जो नेतृत्व करना है, आज 10 साल से जो साइन कोलीवाड़ा को बीजेपी के आमदार ने बेहाल कर दिया है, उस बेहाली का आज इन लोगों को जो हथियार एक वोट के रूप में मिला है, वो वोट के रूप में एक परिवर्तन लाने का समय आ चुका है और पार्टी ने मुझे वो परिवर्तन का चेहरा बनाया। उसके लिए मैं पार्टी का और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी नेताओं का तहे दिल से, खरगे साहब हो, केसी वेणुगोपाल जी हो, रमेश चेनीतला जी हो, वर्षाताई गायकवाड़ मैडम हो, मैं सभी नेताओं का, कांग्रेस पार्टी के और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी नेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां के उम्मीदवार घोषित किया। मैं आने वाले दिनों में बीजेपी के इस विधायक का हार निश्चित है और आने वाले दिनों में यहां पे परिवर्तन होगा। कोलीवाड़ा की जनता आज बेहाल हो चुकी है, 10 साल से कोई काम नहीं किया है। पूरी कोलीवाड़ा की जनता जानती है कि आज हालात क्या है। कोई भी गली में चले जाओ पानी भरता है। कोई कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आप देख लो 20-20 साल से कंप्लीट नहीं हुए हैं। आज लोगों को रेंट के मसले हैं, ऐसे कई सारे मसले हैं जो पिछले 10 साल पहले जो था वही मसले आज भी है। तो आज इन्होंने काम क्या किया है, ये आज जनता उनको पूछ रही है और मुझे कोलीवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे ऊपर विश्वास दिखाएंगे और आने वाले दिनों में परिवर्तन। गणेश यादव को टिकट मिला है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शरद पवार गुट की क्या भूमिका रहेगी? सबसे पहले गणेश यादव जी को मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस तरह से गणेश यादव को सपोर्ट करेगी शरद पवार? अभी हम लोग पहले से हम लोग इंटरनल मीटिंग ले, इस तालुका में हम लोग ने मीटिंग लेके पूरे जितने नाराज भी थे हमारे कार्यकर्ता लोग बहुत से अपने इंटरनल पार्टी में भी, सबको फिर से हम लोग ने एकजुट कर दिया है और अभी हम लोग जल्दी, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही गणेश यादव जी से मिल के कोऑर्डिनेशन करके हम लोग पूरा उनको फुल दिल से सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से। बहरहाल अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।